दोस्तों, अगर आप एक बाइक मैकेनिक हैं तो कभी न कभी बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक बैटरी चार्जर है। ये मोटरसाइकिल के बैटरी को चार्ज कर देता है बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, आज मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ इस बैटरी चार्जर का, कि किस तरीके से बैटरी को चार्ज करता है और कितना इसका प्राइस है, कैसे आपको लेना है। यहाँ पे देखिए, हमने जो कुछ दिन पहले ये वाला बैटरी चार्जर लिया था, जो कि प्रिया ब्रांड नाम का था, प्रिया ब्रांड के ब्रांड करके, जो कि 220 रुपये हमने लिया था गाइस, 220 रुपये का। इस तरह का इसमें वायरिंग होता है और इसमें माइनस के प्लस जो है इसमें वायर होता है, एक चुट्टा दिया हुआ होता है। इसको हमने चेक किया था इस मल्टीमीटर से, तो 12 वोल्ट फुल जो है इससे करंट सप्लाई हो रहा था, लेकिन ये जो है मात्र 6 महीने 7 महीने चली और ये ख़राब हो गई। और जब मैं इसे सही कराने के लिए गया तो इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक होते हैं, तो मिस्त्री, उन्होंने कहा कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो इसे तो मैंने साइड रख दिया। उसके बाद जो है हमने ये वाला चार्जर मंगाया। तो चलिए जानते हैं कि ये चार्जर किस तरह काम करता है, ये कहाँ पर मिलेगी और कितना वोल्ट ये सप्लाई करेगा। देखिए, हमारे पास ये मल्टीमीटर भी है गाइस, तो यहाँ पे जो है हमने इस वायर को लगा दिया उधर, बिजली से जो हमने इसको जोड़ दिया है, बिजली से हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर जो है एक बटन मिलता है, इस तरीके से हम इसको ऑन करेंगे, ये चालू हो जाएगी। यहाँ पे जो अंदर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो आवाज़ करने लगी। एम्पियर मीटर जो है शो करता है कि बैटरी कितना लोड ले रहा है। यहाँ पे माइनस प्लस वायर दिया हुआ है, पीछे जो है गाइस और कुछ नहीं है, पीछे बिल्कुल खाली है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ इधर कुछ नहीं है। ये एक बैटरी चार्जर है, ना कि कोई इन्वर्टर, ये बैटरी चार्जर है, इसे बैटरी को चार्ज कर सकता है। 3 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज कर सकता है, 3 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक बैटरी को जो है चार्ज कर सकता है गाइज, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें जो ज़रूरत पड़ती है अपनी मोटरसाइकिल लाइन में 2.5 LV, 4 LV, 5 LV, 5 Z L और 9 LV करके इस तरह का ज़रूरत पड़ता है बैटरी चार्ज करने का। और बैटरी चार्ज तो करना हमें हमेशा ज़रूरी होता है, और ख़ास करके गाइज बता दें कि अभी जो BS6 बाइक आने लगी, और इसका कोई न किसी न किसी भी वजह से अगर बैटरी लो हो जाता है तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होने लगती, क्योंकि उसका जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप जो है वो चालू नहीं होता है बगैर बैटरी चार्ज के। तो कभी ना कभी जो है हमें बैटरी को चार्ज करना होता है, अगर बैटरी चार्जर नहीं होता हमारे पास तो फिर जो है दूसरा बैटरी, नया बैटरी लगा के हमें चेक करना होता है कि गाड़ी का फ्यूल पम्प खराब है या फिर बैटरी लो है। तो गाइज, इस तरीके से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये एक तरफ से समझा जाए तो कस्टमर की हेल्प है, जैसे कि सर्विस के लिए आपके पास बाइक आती है तो बैटरी अगर लो है तो बैटरी खोल के जब तक हम चार्ज पे लगा देंगे, उसके बाद फिर हम बाइक को जो है सर्विसिंग करते रहेंगे। तो ये सोचकर हमने लिया है, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब शिकायत आती है BS6 बाइक के बैटरी में, तो उसे जो है हमेशा चार्ज करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं चालू करूँगा इसको, ये हमने चालू किया इस बटन से, तो यहाँ पे मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, देखेंगे एक गलती मेरे से क्या हुआ था गाइस, हमने देखिए तार जो है यहाँ पे भी गलत लगा के रखा है, जो कि मुझे एक रेड और ब्लैक तार लगाना पड़ेगा, रेड और ब्लैक वायर लगाना होगा। गलती मेरे से क्या हुआ था कि मैंने माइनस प्लस ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये तार उल्टा लग गया था, जो कि बैटरी भी गर्म हो गया और इसके ज़रिए से ये जो एम्पियर मीटर होता है, मीटर भी ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा। और इसके साथ ही मैं जब वोल्टेज इसका नापता हूँ तो वोल्टेज ये कम बता रहा है। तो ये गलती आप लोग ना करें, वायरिंग जो है इसके अंदर रेड और ब्लैक ही डाल दें, क्योंकि मेरे से जो मिस्टेक हुआ वो आप ना कर सके। तो यहाँ पे देखिए, हमने ब्लैक टेप रखा, तो ये ब्लैक वायर है, अर्थ वाला है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को जो हमने यहाँ पे रखा है, तो ये 9 वोल्ट बता रहा है, ये 9 वोल्ट बता रहा है ऐसे, ठीक है। तो इतना वोल्ट जो है ये अभी सप्लाई कर रहा है गाइस। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज कम होने की वजह से भी जो है पावर जो है कम सप्लाई करेगा। तो अब देखिए, बैटरी अगर हमको चार्ज पे देना है तो पहले बैटरी हम चेक करेंगे कि बैटरी कितना चार्ज है। ये देखिए, ये माइनस प्लस वायर लगा देता हूँ, तो बैटरी भी 12.17, यानी कि 12 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी चार्ज है ये वाला। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस वायर को लगा दूँगा बैटरी चार्जिंग के लिए, तो उसके जब यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए देते हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर जो है ज़्यादा कुछ पावर बढ़ा कर नहीं देता है, लेकिन ये बैटरी फुल चार्ज है, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा पावर बढ़ा के ना देता हो। 10, 17, इसको चेक करते हैं पहले कितना चार्ज है।
6 बावन, 6 वोल्ट 52 है। जब मैं इसे लगाता हूँ तो 10 वोल्ट बढ़ा देता है, ये 10 वोल्ट ही बढ़ा देता है। देखिए, तो इससे पता चलता है कि बैटरी ये चार्ज हो रही है। ठीक है गज, मिला जुला कर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको एक बैटरी चार्जर की जरूरत है तो आप इस बैटरी चार्जर को ले सकते हैं। ये मैं काफी दिनों से चला रहा हूँ, तकरीबन 6 महीने से चला रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये बैटरी चार्जर जल्दी खराब होगी। ये बिल्कुल इंडियन प्रोडक्ट है, ये कोई चाइनीज आइटम नहीं है। ये सब तो खैर चाइनीज आइटम होता है तो जल्दी खराब हो जाता है। ये आप किसी भी इलेक्ट्रिक मैकेनिक से जो है रिपेयर करा सकते हैं। ये तो आप रिपेयर नहीं करा सकते करा पाएंगे, लेकिन इसे आप जरूर रिपेयर करा लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये दे दूंगा। अगर आपके एरिया में अगर मिलता है तो आप वहीं पर ले सकते हैं, उसी से किसी भी इलेक्ट्रिक वाले से जाए, मिस्त्री फिटर से जाए, इसे बनवा सकते हैं। और बाकी अगर आप मेरे द्वारा ले सकते हैं गाइस, तो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज आप कि कर बैटरी सकते हैं चार्ज सर। करने की बात किया जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जो है बैटरी चार्ज हो जाता है। अगर बैटरी पूरा लो है तो 1 1.5 घंटा में जो है बैटरी को फुल चार्ज कर देता है। लेकिन एक शर्त है गाइज कि आपको ये बैटरी चार्जिंग के लिए जो है हमेशा नहीं रखना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि अगर हम 1 घंटे चार्जिंग पे लगा रहे तो हम भूल गए 4 5 घंटे तक, या फिर शाम तक, या रातों रात रह गया लगा हुआ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 1.5 घंटा आपको लगाना है, फिर आपको खोल देना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं दिया गया है। ऑटो कट का कोई भी सिस्टम नहीं। अगर ऑटोमेटिक कोई दूसरा लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक हर चीज़ देखना चाहते हैं, कोई डिजिटल टाइप का अगर लेना चाहते हैं बैटरी चार्जर, तो उसके लिए भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप एक बैटरी चार्जर ले सकते हैं, डिजिटल मीटर वाला। और ये डिजिटल मीटर नहीं है, ये नॉर्मल जो हमारे पुराने चलता आ रहा है, ये वही चीज़ें हैं, और कोई खास इसमें ज़्यादा कुछ फीचर आपको नहीं मिलेगी।